श्रीराज नायर जी, आपको क्या लग रहा है? मतलब पहले मानस को लेकर एक लंबा चौड़ा संग्राम हमने देखा किस तरीके से जो बोल गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद और अब एक नया विवाद, क्योंकि देखिए उसका असर भी शुरू हो गया। बुद्धिस्ट संगठन भी अब ज्ञानवापी मामले में कूद गया और कह रहा है कि वो तो पहले मठ था। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कोई वैसे सीरियसली लेता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस प्रकार से आपने एक मायावती जी के बारे में वर्णन किया, जो मायावती जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है। अभी स्वामी जी कह रहे थे 5 साल वो भाजपा के गोद में बैठे थे, भाजपा में मंत्री थे, और चुनाव के ठीक 1 महीने पहले वो स्वयं श्रम मंत्री थे, और उन्होंने चुनाव के पहले बीजेपी को छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थामा और चुनाव हार भी गए, और उसके बाद उनका उनकी जो मानसिक हालत है वो एकदम बिगड़ी हुई है। कुछ भी राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, पर इससे इनकी पार्टी भी मुझे लगता नहीं संज्ञान लेती है, और अगर और इससे उनको उनकी पार्टी ही धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ भी बोलने से हमको तो लगता नहीं इसको कोई सीरियस लेना चाहिए। ये पूरी तरह से मानसिक दिवालियापन। लेकिन देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना अब की, लेकिन उसका असर तो शुरू हो गया ना श्रीराज नायर जी। आप उसे सीरियस नहीं लेंगे, कोई और नहीं लेगा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना कि उनकी बातों से कहीं ना कहीं उसको गंभीर लेंगे, और इसीलिए मैं कह रही थी कि देखिए अब कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है, तो यानी कि विवाद को बढ़ा तो दिया गया ना। देखिए, भारत एक महान लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के अंदर कोर्ट का रुख कोई भी अपना सकता है, किसी को भी जाने का हक है। और कोर्ट, और यहाँ पर मैं हर बार अपने डिबेट में कहता हूँ, ये वो देश है जिसने कसाब और अफजल गुरु को भी ट्रायल का मौका दिया। ये इतना जिन्होंने खुलेआम कैमरा के समक्ष निर्दोषों का खून बहाया और उनको जान से मार दिया। तो यहाँ पर भी जिसको जिसको लगता है कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, जाए तो स्वागत है, पर सत्य बात बोलता है विश्व जानता है, तो इसमें कोई बड़ी बात। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।